कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एफएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्ति त्रिपाठी। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। अब जब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं तो ऐसे में उसके कामकाज का लेखा जोखा बताना भी जरूरी होता है। मोदी सरकार 2.0 ने अपने शुरुआती 100 दिन में न सिर्फ कि ऐतिहासिक फैसले लिए बल्कि अपने कई कदमों से देशवासियों को चौंकाया भी है। तीन तलाक से लेकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार ने जो कदम उठाए वो निश्चित रूप पर अभूतपूर्व है। हालांकि सरकार के 100 दिन पर विपक्ष खासकर कांग्रेस को सफलता और देश के विकास के नाम नहीं आता है। हालांकि ये बात भी सही है कि मौजूदा समय में देश विकट आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। उसका कहना है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने के साथ देश का माहौल बिगाड़ दिया है। यद्यपि पीएम मोदी विपक्ष की इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार के 100 दिन में विकास, विश्वास और देश में बड़े बदलाव हुए हैं और वो जानते हैं कि आगे चुनौतियों से किस तरह से निपटना है। पीएम मोदी के मुताबिक कृषि क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सरकार के बड़े निर्णयों के पीछे 130 करोड़ भारतीय खड़े हैं। उनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार से विपक्षी अब तक स्तब्ध है। सच सिर्फ यही है कि उनकी सरकार के इन 100 दिनों में सभी ने देखा है कि भारत हर चुनौती को चुनौती दे रहा है। अब ये चाहे ये चुनौतियां दशकों पुरानी हो या भविष्य में आने वाली हो, तो मोदी के 100 में दम है या फिर विपक्ष के आरोप और सवाल ज्यादा दमदार है, ये आज हम जानेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार क्या है, जनता कितना भला हो रहा है। तो चलिए अब हर पहलू का बारीक से विश्लेषण करने के लिए शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब की खास पेशकश 100 का दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन ऐसे समय में पूरे हुए हैं जब चंद्रयान 2 मिशन 1995% सफल हो चुका है और इसका पूरा होने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। वैसे यह मिशन भले ही पूरी तरह से अपने अंजाम तक न पहुंचे, लेकिन फिलहाल हम जहां तक भी पहुंचे हैं वो भी किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है और इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को स्वराज एक्सप्रेस का सलाम। वहीं इन सब के बीच मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए जो न सिर्फ ऐतिहासिक रहे बल्कि उससे देश की दशा और दिशा भी बदली है। हाँ, दशा और दिशा किस तरह और किस करवट लेगी ये अलग बात है, लिहाजा इनका जिक्र करना भी जरूरी है। हालांकि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले हम दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। मई 2019, यह वही तारीख और साल है जब नरेंद्र मोदी ने लगा था दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस दिन मोदी मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली और इसके बाद सरकार पहले दिन से ही अपने काम में जुट गई। वहीं अब जब मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे कर चुकी है तो उपलब्धियों का बखान हो रहा है। मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि काम कम नहीं बल्कि बहुत और बड़े बड़े। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक उनकी सरकार ने नए कार्यकाल के 100 दिन विकास और विश्वास के रहे। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं,
निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन के अंदर संसद में कामकाज का रिकॉर्ड बना। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी करने के अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त करने का कानून भी बना। इस दौरान सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम क्षेत्रों में सुधार और प्रगति के कई बड़े कदम भी उठाए। राज्यसभा में विपक्ष को झटका देकर महत्वपूर्ण विधेयकों पर 2/3 बहुमत तक सरकार ने अब की बार जुटाया। 10 सांसदों ने विपक्षी खेमा छोड़ बीजेपी का दामन थामा। विपक्ष के विभिन्न दलों का समर्थन भी सरकार ने जुटाया। लोकसभा के किसी भी सत्र में सबसे ज्यादा कामकाज का रिकॉर्ड बनाया। इस बार ITI संशोधन विधेयक समेत कुल 36 विधेयकों को मंजूरी मिली। अरसे बाद ये संभव हुआ है कि संसद ने बिना किसी दिन को बर्बाद किए देर रात तक काम किया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद मोदी सरकार ने जिस तरह से सदन के भीतर 2/3 सदस्यों का समर्थन जुटाकर अनुच्छेद 370 व 35A को निष्प्रभावी कराया, वो वाकई काबिले गौर है। पूरी तरह चौकस सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मात दी। इस बीच उनके पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में भी पड़ोसी मुल्क को बड़ा झटका दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक रूस, फ्रांस, जापान समेत तकरीबन 10 देशों का दौरा कर चुके हैं। दुनिया की महाशक्तियों के प्रमुखों समेत अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने के साथ ही पीएम मोदी भारत की नीतियों को प्रमुखता से बताने में भी सफल रहे। हालांकि मोदी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आर्थिक मंदी जैसे हालात से निपटने की चुनौती, महंगाई को नियंत्रित करना और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद पनपे हालातों को संभालना भी उनकी प्राथमिकता में होगा। रोजगार के मोर्चे पर बेहतर स्थिति बनाना और आतंकवाद के मामले में सीमा पार से बड़े खतरे से निपटना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर फिलहाल केंद्र के मंत्री और भाजपाई सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साध रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बीते दिनों केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था करके चौपट मौन बैठी है सरकार, संकट में है कंपनियां, ठप हो रहा व्यापार, ड्रामे से, छल से, झूठ से, प्रचार से करके कपट, जन जन से छुपा रहे देश की हालात। इधर मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को देखें तो वो रुके हुए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि सीएम कमलनाथ, उनके मंत्री और तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं। राज्य की सत्ता में 15 साल बाद वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन ये बात कहते रहते हैं कि जनहित कार्यों के लिए उन्हें केंद्र सरकार से पूरा पैसा नहीं मिल रहा, लिहाजा तमाम योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, सभी किसानों की कर्ज माफी अनुदान की कमी के चलते नहीं हो पा रही। देखा जाए तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के अंदर जहां अपार सफलताएं हैं तो सवाल भी तमाम हैं। लेकिन जब उपलब्धियां बहुत बड़ी हो तो जाहिर है कि सवाल कहीं सिमट से जाते हैं, लेकिन जब बात मंदी के दौर से गुजरने की हो तो इस पर उठने वाले सवाल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जरूरी है मोदी सरकार इस विकट समस्या को जल्द निपटाए, नहीं तो बेरोजगारी को बंपर विस्फोट होने में देरी नहीं लगेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए शुभ शर्मा। तो 2014 में 100 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, सार्क देशों को करीब लाए थे, मॉडल गांव का कंसेप्ट आ चुका था, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी और डिजिटल लॉकर की बातें भी जोरों पर थी जो बाद में लॉन्च भी हो गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कर दी थी जिससे 1.5 करोड़ खाते खुल गए थे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भी रखा गया था। कुल मिलाकर 2014 में 100 दिनों का सरकार का रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा, हालांकि लोग और भी ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे। वहीं अब नरेंद्र मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 100 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती
100 दिन कितने दमदार हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी आपका भी स्वागत है। के एस साइनी जी विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। साइनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज डिजिटल के संपादक अठोत्री जी हमारे साथ आपके। सबसे पहले हम पक्ष विपक्ष की बात करें उसके पहले हम अपने तीनों एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। हमने बताया अग्निहोत्री जी की पिछले सरकार के कार्यकाल में 100 दिन क्या क्या हुआ था, मैंने क्रम से बताया। आपको मोदी 2 माने इस कार्यकाल में आपको ये 100 दिन किस तरह से लग रहे हैं, अच्छे थे, बुरे थे या सामान्य थे? मुझसे पूछा? नहीं, अग्निहोत्री जी से। अच्छा। जी, दूसरी बार जब मोदी सरकार आई है जैसे 2.0 भी कहा जा रहा है जी, और वाकई देश को इतने सारे निर्णयों से दो चार होना पड़ा है, इतने सारे फैसलों से दो चार होना पड़ा है, इतने ज्यादा उपलब्धियां, 36 विधेयक एक पिछले सेशन में जो पारित हुए हैं संसद से जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो संसद ठप रहा करती थी, बिल्कुल नहीं चलती थी, उस संसद में इतने विधेयकों को पास करा लेना और राज्यसभा में 2/3 बहुमत को पा लेना, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इस सरकार की है। लेकिन मैं देखता हूं कि अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जो है ये सरकार उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई है। जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की जो बनाने का सपना माननीय मोदी जी का है, लेकिन उसके लिए जरूर अभी जो सेटबैक लगा है और जो खबरें सामने आई हैं रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड निकालना पड़ा है, उसके अलावा व्यापारियों में बहुत रोष है, खास तौर से GST को लेकर के व्यापारियों में बहुत रोष है। और व्यापारियों को यह कहते सुना जा सकता है कि जिस मोदी को हमने वोट दिया है यह जानकर कि वो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन इससे बुरे, व्यापारियों का कहना है कि इससे बुरे दिन हमारे लिए नहीं हो सकते जो इस समय वो फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान है व्यापारी, जिनके ऊपर इस सरकार को ध्यान देना होगा। और GST जैसे जितने भी मुद्दे हैं जो व्यापारियों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको जो है वो सामने ला करके और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, लोगों का ये कहना है कि 9 बजते हैं और पाकिस्तान और इमरान खान के अलावा टेलीविजन पे और दूसरी कोई खबर देखने को नहीं मिलती है, तो ये तो मीडिया वालों की गलती है। वो सारे देश की जनता जो है, खासकर व्यापारी, तो यही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पे कोई डिबेट नहीं होती है या दूसरे ऐसे विषय जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, उससे आम जन जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के टेलीविजन चैनल पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और 9 बजते ही इमरान खान और पाकिस्तान को लेकर के बहस शुरू होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार को ध्यान देना होगा। क्यों करते हैं? हाँ, मोदी की गलती क्या है? नहीं, मोदी की गलती नहीं है, लेकिन पीछे से ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से उनको इसी विषय पर रहना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ का मतलब क्या हुआ? देखने वाली बात है कि उनके जो प्रशासन है वो किस तरह से उसको डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साइनी जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे, बेहतर रहा, खराब रहा या सामान्य था? फिर पक्ष विपक्ष की बात बात करेंगे, पहले आप लोगों की राय जान लें, नहीं तो मौका ही नहीं मिलेगा राय जानने। त्रिपाठी जी, कल 2 दिन से मोदी जी सरकार के उपलब्धियों के बारे में टीवी में बहुत चर्चा हो रही है और सब जगह इस बारे में बात हो रही है। मैं इसमें यह कहूंगी कि मोदी जी जो है, उनका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को सपने बहुत दिखा देते हैं, बहुत आसमान छू रहे हैं लोगों के सपने और जो उम्मीद है, तो ये इनकी उपलब्धि भी है और ये प्रॉब्लम भी है बीजेपी के लिए जी। क्योंकि जब आप इतने हाई एक्सपेक्टेशन बना देते हैं तो लोग उससे उतना एक्सपेक्ट भी करते हैं। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे कि साल के अंदर, तो ये सब जो है आशावादी हैं और लोगों के अंदर उम्मीद भी काफी जागी है, लेकिन वो ही इनकी समस्या है कि किस तरह से करेंगे। दूसरी बात है कि एक लोगों में एक ये है कि थोड़ा इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो वो अर्थव्यवस्था के लिए और नुकसानदायक होगा, क्योंकि इकोनॉमी में तभी लोग पैसा लगाएंगे जब एक कॉन्फिडेंस होगा और शांति होगी देश में जी। तो ये इनके लिए एक बहुत चुनौती है किस तरह से मोदी इस चीज को संभालते हैं। तीसरी बात है, अगर जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि मोदी की उपलब्धि है या मोदी, पर बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। जी, जी, जी। तो वो भी काम कर रहे हैं और पूरी टीम वर्क हो रही है जी। लेकिन बात होती है तो सिर्फ मोदी की, तो ऐसा लगता है जैसे एक ही जन पूरा सरकार चला रहे हैं।
और किसी फैसला जो लेते हैं सिर्फ एक ही सेंटर से, पहले यूपीए के समय कहा जाता था कि 10 जनपद से ही सब डिसीजन होते हैं, भले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है जी। तो इसमें और उसमें फिर कोई अंतर नहीं है जी। कि वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। धारा 370 में क्रेडिट दे दी उन्होंने अमित शाह को, एक ही मंत्री को दी है जी बिल्कुल, लेकिन वो भी कहते हैं कि मोदी जी उसके पीछे उनका पूरा सहयोग है निश्चित तौर पे। रमेश जी आपकी भी टिप्पणी हम जानना चाहेंगे इसमें, फिर पक्ष विपक्ष की बात करें, आपको कैसा लगे ये 100 दिन मोदी के? मैंने 14 का गिनाया है आपका। जी हाँ, ये 100 दिन मोदी के मुझे ठीक लगते हैं, और उसका कारण है कि किसी भी केंद्र सरकार को दो मुद्दों पर काम करना चाहिए, एक कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा पर काम करना चाहिए और कानून व्यवस्था पर काम करना चाहिए, और तीसरा अंदर जितने भी राज्य उसके अंतर्गत आते हैं उनके बेहतर समन्वय का काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस रोजगार का, मैं आ रहा हूँ रोजगार पर, इस मुद्दे पर ये सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की और रोजगार की बात आ रही है, अर्थव्यवस्था पर मैं सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को गलत मानता हूँ कि उन्होंने रिजर्व बैंक से फंड निकाल करके बैंकों को दिया ताकि वो उद्योगपतियों को मदद कर सके। ये 35-40 कारपोरेट्स हैं जो योजना पूर्वक उन्होंने हल्ला मचा करके सरकार से पैसा लिया, ये वही लोग हैं जो अगरबत्ती तक का आयात करते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जन सामान्य को भी इस मामले में समझना होगा, उनको राजाश्रित योजनाओं के साथ साथ उनको अपने पैरों पर खड़े होकर के घरों में कुटीर उद्योग को डेवलप करना होगा। नौकरियां अब किसी को मिलने वाली नहीं है, नौकरियां अगर जा रही हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण नौकरियां जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, आप मुझे बताओ अगर हम पूरे देश का आकलन करेंगे तो लगभग 40 लाख पद खाली पड़े हैं, क्योंकि सरकार के पास काम ही नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज रोबोट तो कार चलाएंगे, आप आकर के अगर आप देखेंगे होटल में बैरे तक की तो नौकरी नहीं बची, आप खुद जाकर के पर्ची कटाइए, खुद समोसा लीजिए, खुद डस्टबिन में आकर के आप जाकर के प्लेट डालिए। सॉफ्टवेयर अब ऐसे आ गए हैं कि एक आदमी का एक सॉफ्टवेयर जो है 6-6 आदमी का काम करेगा। तो मोटे तौर पर ये जो 35-40 कारपोरेट्स हैं ये सारी गड़बड़ उनने की है, राहत किसान को भी हो तो भी उसका लाभ उनको मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये उन लोगों का षड्यंत्र है जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा मदद लेना चाहते हैं। सरकार ने एक दूसरी गलती जो कर रही है जो हर सरकार ने की है, देश की अर्थव्यवस्था अगर आपको सुधारना है आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, जो उसने कहा था कृषक मूल्य जो लागत आ रही है उसका हम 1.5 गुना मूल्य देंगे, समर्थन मूल्य गेहूं का आप जिस दिन 3,000 रुपए सरकार कर देगी देश की अर्थव्यवस्था पूरी ठीक हो जाएगी। कारों का जहां तक आप कह रहे हैं, सस्ती कारों का खरीदने का जो रेट है वो गिरा है, महंगी कार खरीदने का बढ़ा हुआ है, शहरों में अब कार खरीदना मकान खरीदना सैचुरेशन पर आ गया। आप अगर दिल्ली के आंकड़े देखेंगे, दिल्ली की आबादी बमुश्किल 1.25 करोड़ है, कारों का रजिस्ट्रेशन में 2 करोड़ का है। तो महानगरों में कार और मकान सैचुरेशन पर आ गए हैं। अब जब तक गरीब गांव का किसान नहीं खरीदेगा, किसान तब खरीदेगा जब कृषक की आय उसकी जो है ठीक हो जाएगी। आप मुझे बताइए खाद के दाम बढ़ रहे हैं, उर्वरक के दाम बढ़ रहे हैं, कीटनाशक के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान का उत्पादन नहीं हो रहा। मोदी सरकार पर मुझे ये अपेक्षा करना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, जिस तरीके से हिम्मत के साथ उन्होंने 370 खत्म किया, जैसे हिम्मत के साथ वो 3 तलाक का विधेयक लेकर आए, जिस हिम्मत के साथ अब अमित शाह ने कल कहा कि हम सारे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, जिस हिम्मत के साथ वो कानून ट्रैफिक तोड़ने वालों का कानून लेकर के आए, उसी हिम्मत के साथ किसानों के हित में अगर वो लागू कर देंगे, समर्थन मूल्य बढ़ा देंगे, दलहन का भी बढ़ाएं, गेहूं का भी बनाएं, देश की अर्थव्यवस्था 24 घंटे में ठीक होगी। तीसरा, उद्योगपतियों को इस बात की सख्ती करें, आयात पर हमको जोर देना नहीं। मुझे आप बताइए भारत में अगरबत्ती हम बाहर से आयात करेंगे, अभी लक्ष्मी पूजन होगी उसके दिए और उसके लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां आयात करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था जाएगी कहां? सरकार को इन दोनों मामलों में सख्ती की अपेक्षा करता हूं अगले आने वाले वक्त में। आपने कहा कि कुछ जो 30-40 बड़े उद्योगपति हैं उनने सब गड़बड़ की है, निश्चित रूप से उनने गड़बड़ की है तो उनके षड्यंत्र में फंसे क्यों? देखिए उन्होंने गड़बड़ करके और उन्होंने शोर इतना मचा रहे हैं, कोई अर्थव्यवस्था खराब नहीं है। मोदी जी को मालूम होगा कि शोर मचा रहे हैं, सही नहीं मचा रहे हैं भाई, वो उनको पता हो कि ना पता हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मुझे बताइए बाजार में अगर आप जाके देखो, भरी बरसात में बाजार में पैर रखने जगह नहीं मिल रही, आपको कार पार्किंग करने को जगह मिल रही नहीं मिल रही, सड़क पर चलने को जगह नहीं मिल रही, तो अर्थव्यवस्था कहाँ खराब है? कौन सी दुकान बंद हो गई या किस दुकान का दिवाला निकल गया? सब दुकानदार रोज नई तो गाड़ियां खरीद रहे हैं, रोज नए कपड़े पहन रहे हैं, दुकानदार दारू की दुकानों में तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे बताइए किसी दारू की दुकान पर लाइन कम हुई है क्या?
किस चीज की बिक्री घटी है? कहीं नहीं बिक्री, ना किसी कपड़े वाले की बिक्री घटी है, ना दारू वाले की बिक्री घटी है, और स्मगलिंग से तो और चरस और स्मैक आ रही है, लोग उसका सेवन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था अगर गिरती तो कहीं ना कहीं लोगों के खर्चे तो कम होते, लोगों के खर्चे बिल्कुल नहीं कम हो रहे, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही है। ये उद्योगपति जो कि 30 मंजिल मकान में 3 जने रहने वाले हैं, ये शोर मचा रहे हैं ताकि सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा ले, और सरकार ने गलती की रिजर्व बैंक से फंड निकालने का। मैं उनकी जगह होता मैं बिल्कुल नहीं निकालता फंड। चलिए तो ये गलती की है। देखिए जब सेना हारती है तो सेनापति का ही नाम होता है कि हार गए। खैर आपने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, हम चलेंगे एक हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं मोदी जी से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, जो एक्सपर्टों की तो आपने राय सुन ली होगी, किसी ने कहा ठीक है, किसी ने, रमेश जी ने पहली बार थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया कि यहाँ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ तो अगर है तो केंद्र सरकार के ही या प्रधानमंत्री पे ही बात आएगी। आपको क्या लगता है इन 100 दिनों में बेहतर काम किया है? बनीश जी को गिनाने के लिए बहुत है कि हमने ये किया ये किया, लेकिन आपसे पहले हम जान लेना चाहते हैं कि क्या गड़बड़ की है। देखिए जो 100 दिन थे, पहले तो जो हमारा 31 मार्च के बाद जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसमें चुनाव चल रहे थे जी, और उस चुनाव के बाद जब सरकार ने कामकाज संभाला, आप देखिए कि उस समय की स्थिति जो इकोनॉमी की थी, और उसी के बाद ये जो पहले 3 महीने गए हैं, 100 दिन मतलब 3 महीने जी, और उसके रिजल्ट भी जो है सबके सामने आ गए कि हमारी जीडीपी जो है 5%, मतलब पिछले 6 वर्षों के सबसे कम पे जो है इस समय आ चुकी है। डॉलर का जो रुपए का जो कीमत है वो कम लगातार होती जा रही है, और डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है लगातार। आप देखिए कि इन्हीं 100 दिनों के अंदर कई बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज जो है वो बोल रही हैं कि हम अब रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमारी जो है आवश्यकता है कि हम अपनी कंपनियों में काम कम करें या 15 दिन की छुट्टी करें, 10 दिन की छुट्टी करें। आप देखिए आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है 100 दिनों में, बिल्कुल जी। आप देखिए टेक्सटाइल सेक्टर जो गुजरात में जो सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां पे जो है 30% नौकरियां इन 3 महीनों के अंदर चली गई। आप देखिए कि जो FMCG का सेक्टर था उसमें बिक्री गिरावट होके 50% पे आ गई, और अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि जो गणेश प्रतिमाएं थी वो भी जो है 50% पिछले साल से कम बिकी। तो अगर ये कहा जाए कि कहीं इकोनॉमी में फर्क नहीं है, तो जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जिन लोगों को निश्चित आय होती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, शायद उनके उसमें जो है आवक में कहीं कमी नहीं हुई होगी, लेकिन जो मजदूर हैं, जो निर्माण उद्योग में जो काम कर रहे थे, जो बिल्डिंग हाउसिंग में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं गई है, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, और अधिकतर 60-70% एम्प्लॉई जो होता है वो मजदूर वर्ग का होता है, उनकी नौकरियां धीरे धीरे जाती जा रही हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, सर्विस सेक्टर भी है तो सर्विस सेक्टर में 30% की गिरावट है इस समय। आप देखिए कोई भी सेक्टर इस तरह का नहीं बचा है जहां नौकरियों में गिरावट ना हो। तो मोदी जी ने निश्चित रूप से बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो 135 करोड़ जनता है, शायद उसको जो है मोदी जी अभी नजरअंदाज कर रहे हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि हम निश्चित रूप से आज घर घर मंदी की स्थिति आ गई है कि हमारी क्रय शक्ति खत्म होती जा रही है। 3 तलाक नहीं, देखिए ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, देखिए ये सब बिल्कुल, मैं इसमें जो है देखिए सरकार जो है, सरकार जब बनती है तो सरकार अपने जो उनका जो मैनिफेस्टो था उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, जब रहने वाला ही आज जो है आतंकवादी की गोली से मर जाए या भूखा मर जाए, ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम आतंकवादियों को रोक ले रहे हैं लेकिन अंदर लोग भूखे मर रहे हैं जी। तो भूखे मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और देखिए एकदम से जो रेसेशन होता है पूरी दुनिया में, अपन ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आर्थिक गिरावट होती है तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी आता है, लेकिन 2008-09 में जो है कहीं हिंदुस्तान पे कोई असर नहीं आया था, क्योंकि सरकार जो है वो एक बेहतर आर्थिक नीतियों से चल रही थी। आज जो है विश्व में इस तरह की गिरावट नहीं है जिस तरह की भारत में है, और ये हमारे खुद के ही कारण है, और इसमें शायद कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं वो निश्चित रूप से उन नीतियों के कारण स्थिति ये हुई है कि आज बेरोजगारी जो है चरम पे पहुंच गई है। आज आप देखिए कि मोदी जी ने जो पिछले सरकार जब इनकी आई थी, जो इनके 100 दिन का कार्यक्रम था, उस 100 दिन के कार्यक्रम में इन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट लाए, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तमाम चीजें लाए,
डिजिटल इंडिया, लेकिन उन सब चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया। यदि उनको जनता ने अगले 5 वर्ष के लिए बनाया था तो उनको उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, लेकिन उन सब चीजों को एक तरफ कर दिया गया और आज जो है झूठी वाहवाही लेने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और साथ में शायद सपनों का सौदागर, अभी शाइनी जी ने जिस तरह से बोला था कि सपने दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सपनों के सौदागर हैं, आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। आपने बिल्कुल कहा, लेकिन आपको कश्मीर वाले मुद्दे पे, 3 तलाक वाले मुद्दे पे तो जनता जितनी खुश है, देखिए सरकार है, मैं उसको जो है, मैं उस चीज को, अगर 370 का मुद्दा है तो जिन आवश्यकताओं के तहत सरकार ने उचित समझा होगा तो लगाया उन्होंने, 370 हटाने का काम किया या 371 को नहीं हटाने का काम किया, या फिर जो है 3 ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे जो है ये बिल लेके आए, ये सब चीज अलग है। लेकिन आज आम जनता जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं हो पा रहा है, उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि अवधारणा है हमारे संविधान की कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। जब लोक कल्याण नहीं होगा तो हम कितनी ही नीतियां ले आए, कितने ही कानून बना लें, या कोई सी भी धारा खत्म कर दें या कोई सा अनुच्छेद खत्म कर दें, उससे जो है जनता के ऊपर कोई असर नहीं। मध्य प्रदेश वासियों को क्या लेना देना, उससे हमारे साथ दूरदर्शक है, मनीष जी के पास हम चले, लेकिन नोएडा से हैं सतीश मिश्रा जी, सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज अच्छे को। मैं सबसे पहले जो ये कहना चाहेंगे, पहले थोड़ा लोगों को धैर्य रखना चाहिए, माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा समय लगेगा अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है। जी अर्थव्यवस्था खराब है ये मानते हैं आप? अर्थव्यवस्था सुधारने में और वो कोशिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जो है, आज नहीं कल होगी जो है, थोड़ा समय का, अभी जो 16 दिन हुए हैं, 16 दिन का कम से कम और इंतजार करें। जहां तक हमारा अनुमान है सीनियर सिटीजन होने के नाते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं और आगे भविष्य में अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और सभी काम अच्छे होंगे। ज्यादा कहना हमारी उचित नहीं है, किसी पे आरोप लगाना बहुत है, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो रहा है। सतीश जी, आप मानते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, मैं आपसे निवेदन पूछ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था आप मानते हैं इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? ये हम मानते हैं, लेकिन वो सुधरने में समय लगेगा सब जो है। हम 18 यूनिवर्सिटी है जो, और हम जानते हैं सुधरने में समय लगेगा और जो है अच्छे काम, कुछ अच्छे कामों में समय लगता है जो है, उसका धैर्यपूर्वक इंतजार करें और साहस बढ़ाएं सरकार का। चलिए सतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल किया, आपने सुझाव दिए। एक और खंडवत दर्शक है, रामकरण जी सवाल करें। हाँ त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी ले तो मुमकिन है जी, अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो उसको सुधार भी देंगे, ऐसी उनमें ताकत है जी। पर ये कांग्रेस प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे कि ये वाले किए वो वाले किए, उनको ताक पे रख दिया, आपने कहा रखे कि आपका आपके वादे कहा रखे हुए, हमको पता चले आपके वादे भी कहा रखे हुए है, आपने भी किसानों से शिक्षकों से उनके वादे के लिए वो कहा है जी। चलिए हम आपसे उत्तर ले लेंगे। संजय सर एक होशंगाबाद से और दर्शक है, राजू बड़ेली साहब सवाल करें। सर मैं वो संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे मोदी जी ने सपने दिखाए, ऐसे तो कमलनाथ ने भी एमपी में 2 लाख के सपने दिखाए थे जी। तो आगे आपका सवाल क्या है? सर जी 2 लाख रुपए आएंगे नहीं आएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। चलिए हम उनसे भी उत्तर ले लेंगे। संजय जी संक्षेप में देना चाहेंगे उत्तर दोनों लोगों का? देखिए जो राजू जी का जो सवाल है कि 2 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए किसानों के ऋण मुक्ति की बात है, अगर किसी किसान पे 2 लाख तक का कर्जा होगा तो निश्चित रूप से आज 50% किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, जो कि कागजों पे माफ हो चुका है और व्यवहारिक रूप से भी माफ हो चुका है। इसके अलावा बाकी किसानों को भी अब कर्जे की चिंता नहीं है, उनके भी कर्ज माफी के पत्र जो है जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचने वाले हैं। और जहां तक कमलनाथ जी ने वादे किए थे, उन्होंने कहा नहीं, कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं, वादे नहीं किए, वो वचन दिए हैं और वो वचन जो है कमलनाथ जी पूरे करेंगे। आप देखते जाइए सरकार जो है अपना काम कर रही है और आने वाले समय में ये सब वादे जो है, ये जितने भी वचन थे सब पूरे होंगे। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल जैसा कि कहा गया कि धारा 370 हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 समाप्त हुई, अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश के वासियों को क्या लेना देना, उनको तो अपने अर्थव्यवस्था यानी अपने रोजगार से मतलब है, उनको क्या सुविधा मिल रही है उससे मतलब है, कश्मीर के अलावा बाकी देश के जितने भी लोग हैं उनको उससे मतलब है। मनीष जी आदरणीय त्रिपाठी जी, जी आपने देखा होगा जी, सरकार सरकार में क्या फर्क है जी,
ये माननीय मोदी जी ने साबित किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज जनता की आवाज बने। ये 100 दिन की बताइए आप जो 100 दिन, मैं 5 वर्ष और 100 दिन की बात कर रहा हूँ आपसे। ये 100 दिन के रिजल्ट आपके अभी जो दर्शक आए जी, आपने देखा होगा उनकी भाषा भी माननीय मोदी जी की ही भाषा है जी। ये साबित हुआ है। आप यदि देखेंगे, चाहे स्वाभिमानी भारत की बात हो, शक्तिशाली भारत की बात हो, सुरक्षा, विकास, गरीब कल्याण या हर वर्ग की उम्मीद की किरण यदि कोई बने हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। मोदी जी ने अपने इन 100 दिन में गरीब कल्याण में थोड़ा सा हम आपका गरीब कल्याण में आप देखेंगे, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आम आदमी को घर हो, ये जो मूलभूत आवश्यकता है माननीय त्रिपाठी जी, हमने शुरू की उनके 2014 के कार्यकाल को, मैंने खुद ही आपके सामने परिभाषित कर दिया। हम इस 100 दिन में जो स्टार्टअप रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आप 100 दिन की जो बात कर रहे हैं जी, आप ये देखिए 100 दिन में 36 विधेयक पारित होना। विधेयक तो पारित होगा लेकिन आर्थिक मंत्री, आप देखिए, आप ये देखिए त्रिपाठी जी, जो कांग्रेस और पूर्व की सरकार में जो लीकेजेस थे, ये कई प्रावधान, कई अधिनियम ऐसे बना दिए थे जिसका कोई उपयोग नहीं था जी, उनको तो समाप्त किया ही है। साथ में ऐसे संकल्प भी पारित किए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश का विकास हो, इसमें पंख लगना तय है। अभी वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री जो है वो कई बार मनमोहन सिंह जी से टिप्स लेने भी जा चुकी है, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये लगा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर जा रही है, तो मनमोहन सिंह जैसे आदमी से जाकर के हम सलाह लें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो आज की स्थिति में तो आर्थिक व्यवस्था आपकी बहुत खराब है। आप खराब है या नहीं, हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं अभिषेक मोदी जी हैं, उनसे जान लेते हैं, फिर आप सवाल करते हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वराज चैनल में। नमस्कार सर जी। अभिषेक जी, वर्तमान में जो आर्थिक मंदी का राग अलापा जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है? सर पूर्ण सत्य है। किस तरह से पूर्ण सत्य? ऐसे है जी सर, मुझे बोलने दीजिए। हाँ हाँ, आप बोलिए ना, हम सिर्फ सुन रहे हैं। सर पूर्ण सत्य ऐसे है जी कि आज की कंडीशन में आप ये देखिए कि जितने सेक्टर्स है जी, सब में कहीं ना कहीं रिसेशन आ रहा है जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो जी, या फार्मा हो जी, सारे सेक्टर्स में अभी हम एक तरह से देखा जाए तो बैकवर्ड मूवमेंट पे हैं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि जो चीजें बहुत सारी चेंजेस हो रही है और उस हिसाब से आगे जाके चीजें बदलेंगी, पर सर आगे जाके बदलेंगी उसके लिए ग्लोबल जो व्यूज है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी। बिना उसके हम, मतलब मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग है, अभी वर्स्ट इज येट टू बिकम जी। ये कैसे ठीक हो सकता है सर? ठीक मतलब कहने का ये मतलब है, आर्थिक विश्लेषक के बहुत सारे लोग हैं, अगर हम ऐसा देखा जाए तो जो चीजें करने की जरूरत है, जैसे सर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी को कट करने की जरूरत थी, वो कर देते अनाउंस कि जीएसटी में हम कट करने के लिए सोच रहे हैं, नहीं उन्होंने नहीं करा, वो बोले हमारे हाथ में नहीं है, जीएसटी काउंसिल करेगी। तो सर मेरे को एक छोटी सी चीज ये बताइए कि अगर जीएसटी काउंसिल करेगी तो क्या जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक आदमी भी नहीं है जी? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से गठित हुई जीएसटी काउंसिल है उसमें आदमी तो उन्हीं के ही है जी, जी। फिर इस तरह के बयान की क्या जरूरत है? मतलब मार्केट में अभी मेरे को बूस्टर की जरूरत है जी। तो ये जो बूस्टर आप दे रहे हो ये सिर्फ आश्वासन है जी जी। आप अगर 28% से जीएसटी को 18% कर देते तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती जी? मेजर स्टेप लेना जरूरी है जी जी जी, जिस तरह धारा 370 बाकी में लिया उस तरह लेना जरूरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल, इफेक्टिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एक तरफ रिवेन्यू में लगी हुई है कि रिवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जाए, रिवेन्यू बढ़ाना एक अलग मोटिव है, मेन मोटिव ये होना चाहिए कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हमारी ग्रोथ बढ़ाई जाए, प्रॉब्लम वहां है। मोदी जी हमारे साथ, रमेश शर्मा जी एक्सपर्ट हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं जीएसटी को लेकर। रमेश जी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जीएसटी आपने कहा तो जीएसटी समस्या है व्यापारी की, उसकी अपनी समस्या है। मंदी जो होती है वो ग्राहक की कमी के कारण मंदी होती है। ग्राहक अगर कम आ रहा है, ग्राहक ज्यादा आ रहा है, उसको जीएसटी से क्या मतलब? व्यापारी को परेशानी जीएसटी के कारण है कि ग्राहक कम आने के कारण है? गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख से ऊपर की तो 28% का जीएसटी लगता है सर।
इसमें व्यापारी की कोई समस्या नहीं है। आज आप मैं अगर मेरे को कोई चीज पे आप ऐसे देखा जाए नॉर्मल, तो सर एक आदमी 46% टैक्स दे रहा है, 46%, इसको आप रिड्यूस करिए ना सर, कैसे कैसे नहीं बढ़ेगी चीजें। नहीं मोदी जी अभी लेकिन फिगर तो ये आए हैं कि महंगी कारों की बिक्री तो बढ़ी है, सस्ती कारों की घटी है। महंगी कारों की बुकिंग बढ़ी है, वो भी सिर्फ पेपर्स पे, बड़ी नहीं है। नहीं अगर बढ़ती तो शटडाउन नहीं होते सर इतने सारे प्लांट। अशोक लेलैंड का प्लांट शटडाउन की स्थिति पे है, वॉक्सवैगन का प्लांट शटडाउन की स्थिति पे है, ये सिर्फ पेपर्स पे दिख रहा है बुकिंग। भाई अशोक लेलैंड कार थोड़ी बनाता है। कौन? अशोक लेलैंड कारें कहाँ बनाता है? अशोक लेलैंड कारें नहीं बनाता, कमर्शियल व्हीकल तो बनाता है, वॉक्सवैगन कारें बनाता है। दो अलग अलग बातें, बहुत सारे आंकड़े हैं। आपने कार नहीं देखिए, रमेश जी उनकी बात आने दीजिए। अशोक लेलैंड उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल बनाता है, कमर्शियल व्हीकल व्यापारिक सेक्टर में उपयोग होता है। कार का दिया लेकिन कार की महंगी की बिक्री बढ़ी। नहीं वो ये बोल रहे हैं कि बुकिंग में कागज में बुकिंग है, बिक्री बढ़ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे एक छोटी सी बात, तो आज टाटा मोटर का शेयर 112 रुपए पे क्यों चल रहा है? मतलब एक बहुत छोटी सी बात है, मारुति की स्थिति क्यों डाउनग्रेड है, क्यों प्लांट बंद करे जा रहे हैं अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो? प्लांट कहाँ बंद? भाई शेयर का डाउन होने का मतलब ग्राहक कमाना नहीं है, शेयर का डाउन होना ये तो, बल्कि शेयर मार्केट तो अगर बेहतर अर्थव्यवस्था तब होगी जब शेयर मार्केट बंद ही हो जाना चाहिए। ये तो फिर आपको इसके लिए वो देना चाहिए सर आवेदन कि शेयर मार्केट बंद कर दीजिए। मतलब ये मैंने नई चीज सुनी है सर, शेयर मार्केट अच्छी होती है जब आपका शेयर मार्केट स्ट्रांग होता है। शेयर मार्केट सामने नहीं बैठे रमेश जी सामने नहीं बैठे, आप बीच बीच में बोलेंगे ना वो उनका उत्तर आएगा ना आपका सवाल जा पाएगा। शेयर मार्केट एक प्रकार का सट्टा बाजार। अगर आप ये सट्टा बाजार बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहे हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केट की फ्यूचर ग्रोथ और इकोनॉमी को बताता है कि हमारी आने वाली जनरेशन किस तरह से और क्या चीज शो कर रही है, वो शेयर मार्केट है। आप अपने ज्ञान को अपडेट कीजिए सर। नहीं, मेरा ज्ञान अपडेट है, मेरा ज्ञान बहुत अपडेट है, बल्कि आप बेहतर तरीके से शेयर मार्केट के गिरने और बढ़ने से ग्राहक का कमाना, कार खरीदना ना खरीदने का निर्णय नहीं होता। ग्राहक घर में घर अपनी पत्नी से बात करके कार खरीदता है। आज आप ये देखिए कि मेरे पास 1.5 लाख कारें हैं, डंप करने की स्थिति है, बिकी नहीं रही है, स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, वो स्टॉक पे मेरे को GST का क्रेडिट दो और बिल्कुल बकायदा आप देखो कैसे माल जाता है। आप ये देखिए 31 मार्च 2017, मेरी बात सुन लीजिए 31 मार्च 17 को जो गवर्नमेंट ने BS3 के लिए कारों पे रेट रिडक्शन करा था, एक दिन में इतनी कारें बिकी थी जितनी कारें 3 साल में नहीं बिकी। मुझे एक बात बताइए, ये बहस लंबी चल जाएगी रमेश जी, बस एक सेकंड। क्या विशेषज्ञ है वो हमारे, कार खरीदने का निर्णय अपने पत्नी बच्चों से बात करके लेता है, वो GST का रेट देख करके या सट्टा बाजार का रेट देख करके लेता है। बिल्कुल सर, आदमी अपनी जेब देख के लेता है। मैं आज कार खरीदने जाऊंगा तो 5 लाख की कार खरीदूं कि 4 लाख की कार खरीदूं, पहले मेरी जेब भी तो मेरे को अलाउ करनी चाहिए, जब तो लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो महंगी कार की रमेश जी लंबी बहस चली जाएगी, वो आर्थिक विशेषज्ञ है, उनसे मैंने सलाह लेने की बात कही थी, उनसे डिस्कशन, उन्होंने अपनी राय बताई है कि आर्थिक स्थिति क्या है देश की, उसमें उनसे अगर आप कहलवा भी लेंगे कि हाँ बहुत अच्छी है तो उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। जी अभिषेक जी आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन हम एक बात और संक्षेप में पूछना चाह रहे हैं कि इसका आने वाले से जो आज की स्थिति है 5% में GDP है, उसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? सर मेरा ये कहना है आप GDP के कैलकुलेशन को छोड़ दें, क्योंकि GDP का कैलकुलेशन एक आंकड़ों पे है, ये आंकड़ों की जादूगिरी मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि एक छोटी सी बात है कि अगर आप मार्केट में हैं तो क्या मार्केट में जिस तरह से आदमी अपनी परचेसिंग पावर बढ़ा पा रहा है या घटा पा रहा है, सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आज आपके पास सर 100 रुपए है तो क्या आप 40 रुपए खर्चा करने की हिम्मत रख रहे हैं? जी नहीं रख रहे, क्योंकि कारण ये है कि आपको फ्यूचर जो है वो ऐसा नहीं दिख रहा। जी जी जी, तो आगे आने वाले समय में क्या होना है? आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? सर रोजगार बढ़ेगा घटेगा ये अपनी उस पे डिपेंड करता है, पॉलिसीज पे, और अभी जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज हमें इनके लिए फेवरेबल नहीं लग रही है। मैंने घटेगा आने वाले समय में? बिल्कुल घटेगा सर, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो डाउनग्रेड है व्यापार को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मनीष जी आर्थिक विशेषज्ञ से राय ली है, अब आपका क्या उत्तर है? विजय त्रिपाठी जी, जी आप यदि मोदी जी की आर्थिक नीतियों और आर्थिक नहीं ये हमारे अभिषेक मोदी हैं, उन मोदी जी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं माननीय मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जी उनकी आर्थिक नीतियों और आर्थिक सुधार को
पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। एक मिनट मनीष जी, एक चेन्नई से दर्शक है प्रेम अग्रवाल जी, स्वागत सवाल करें। नमस्कार सर, आप चेन्नई से बोल रहे हैं? जी सर। तो आप यहाँ मध्य प्रदेश के विषय के बारे में कैसे बोल रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? आज ही सरकार की बात चल गई इसके लिए मेरे को लेना पड़ा ये टेलीफोन। जी जी, मैंने देखा कि थोड़ा बहुत एक्सेप्ट मैं भी करके बात कर लूं, पता नहीं मैं कहां तक राइट हूं कि नहीं। जी जी, सवाल करें। तो सवाल ये है कि अगर सरकार 100 गज नापेगी और 1 गज फाड़ेगी तो उससे देश की अर्थव्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकती। क्या करेगी अगर सरकार 100 गज नापेगी और 1 गज फाड़ेगी तो उससे देश की अवस्था ठीक नहीं हो सकती। आज स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब बेकार पड़ी है। स्टील इंडस्ट्री कोई भी चीज में है बढ़ोतरी नहीं है, सब जगह नौकरियां छूट रही है, देश के रोजगार बेकार हो रहे हैं। मोदी जी खाली ये सोचेंगे कि हम 2024 में ये कर देंगे तो उससे क्या उपकार हो रहा है देश का। आप वर्तमान क्यों नहीं देखते हैं? आप किसी बात को तो याद कर करके देश को याद दिलाते हैं, किसी सरकार ने ये किया, वो कर दिया, ये कर दिया, और आप वर्तमान को देख नहीं रहे और भविष्य की बात कर रहे हैं। 2025 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको क्या पता है, हमको 2025 में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। वर्तमान में चलिए प्रेम जी, बहुत लंबा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी। मनीष जी, एक और दर्शक, आपने कहा कि अब दर्शकों की राय है मोदी जी के पक्ष में, अभी अलग अलग दर्शकों की राय आ रही। मनीष जी, जी आप ये देखेंगे दर्शकों की अपेक्षा भी माननीय मोदी जी से ही है जी, और स्वाभाविक भी है जी। आप ये देखेंगे जब आज से 5 वर्ष 100 दिन पहले जी जो आर्थिक स्थिति इस हिंदुस्तान की थी जी, और जो 2008 में आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की थी जी, उसमें जो परिवर्तन आए जी, जो भ्रष्टाचार हुए जी, जिसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत गर्त में जाना पड़ा, मतलब 2014 के पहले जो इन्होंने गलती की उसके कारण 2008 से 2014 के बीच में जी, जो बेड लोन बटे जिसके कारण भारत का खजाना खाली हुआ। परंतु मैं सौभाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे पिछले 5 वर्षों की बात हो चाहे अभी 100 दिन की बात हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला। कहीं भी थोड़ा संक्षेप में मनीष जी, संक्षेप मैं पूरा संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ, तो उसी का आज परिणाम है कि देश को एक आशा माननीय मोदी जी के प्रति जागी है, और उसी का परिणाम है। आप देखिएगा जिस प्रकार से ये चाहे ये विभिन्न सेक्टरों में बात कर रहे हैं, मंदी मंदी मंदी, ये तात्कालिक है। आप ये प्रथम तिमाही है जिसमें ये ग्रोथ रेट निकलकर चाहिए, अगली तिमाही फिर तीसरी और फिर चौथी, वर्ष के अंत तक आते आते क्योंकि सुधार की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम उनके ऊपर टैक्स को ये थोप रहे हैं, हम दोनों पलवे के दोनों जो तराजू के दोनों पलवे हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। एक कानपुर से दर्शक हमारे साथ कृष्ण कुमार शुक्ला जी, स्वागत सवाल करें। ओके, थैंक यू, मुझे चांस दिया, कृपया मेरी बात जरा ध्यान से सुने, प्रश्न तो शायद जवाब भी दे पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है वर्तमान समय में, इसको एब्रप्ट यानी अचानक पैदा हुई स्थिति के रूप में ना लिया जाए। ये एक फाइनेंशियल मॉकरी जो करी गई थी, उनसे क्रिएटेड एक चेन रिएक्शन, फाइनेंशियल चेन रिएक्शन है, उससे एक कैश क्रंच डेवलप हुआ। उस कैश क्रंच के बाद में इम्पोज टोन अप जीएसटी का जो टोन अप हुआ, उससे हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, उससे बल्क में जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, वो हमारे अंदर के कैश क्रंच को डीपन कर रहा है। और ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी, कृष्ण कुमार जी बिल्कुल आपकी बात आ गई है, लेकिन आप इसमें दोषी किसको मानते हैं ये बता दीजिए। इसके लिए बहुत सब्सटेंशियल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और एकदम दिन रात लग। दोषी कौन है कृष्ण कुमार जी, दोषी कौन है, और कानपुर में कहां से बोल रहे हैं आप? तो 2-3 साल बाद स्थिति ठीक हो पाएगी, मगर लग नहीं रहा, गवर्नमेंट सो रही है, क्योंकि वो एक वो कुछ एजेंडे चला के पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं जी। कहां से बोल रहे हैं, कानपुर से आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ डिग्री कॉलेज में। और कानपुर में किस मोहल्ले से? मैं साकेत नगर से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पंजाब से दर्शक है कुणाल कुमार जी, सारा सवाल करें संक्षेप में। विनय जी, विनय जी स्वागत है, सवाल करें।
सवाल मेरा ये है, जैसे पहले सेंट्रल एक्साइज में ड्यूटी एडवांस भराई जाती थी जी, तो जीएसटी एडवांस क्यों नहीं भराया जाता? इसमें व्यापारियों को लॉस है, आपने मेरे पहले से जीएसटी चार्ज कर लिया जी, कल को कोई भी व्यापारी भाग जाता है तो उसका खुमियाजा जिसने परचेज किया माल उसको भुगतना पड़ेगा जी जी। तो ये पहले जीएसटी फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं लगता, ताकि गवर्नमेंट के पास भी 50 दिन पहले पैसा आए जी और व्यापारी की टेंशन खत्म हो आगे। चलिए बिना जी, अंतिम दर्शक हमारे साथ इंदौर से है, संदीप जी सवाल सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि आप बता रहे हैं कि कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है जी, प्रोडक्शन भी कम हो गया है जी, लिक्विडिटी भी नहीं है जी, हम स्मॉल स्केल और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, उनको पैसा देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है जी। अब ये बात है कि स्टील का कंजम्पशन कम हो रहा है, स्टील से क्या बनता है, कारें बनती है, लेकिन ऐसे कारें बन रही है कि जिसको कोई लेना नहीं चाहता, तो आप वो कारें क्यों बना रहे हैं? इंजीनियरिंग सेक्टर में आप एक्सपोर्ट के लायक कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं? इसको हम दोषी पॉलिसीज को मान रहे हैं, इंडस्ट्रीज को मान रहे हैं और लिक्विडिटी के लिए गवर्नमेंट को दोषी मान रहे हैं जी। जी आपने बात की कि लग्जरी कारों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है जी, आपने सही कहा, इसका मतलब ये है कि जिनके पास अधिक पैसा है, जिनको पैसे की अहमियत नहीं है, वो लग्जरी कारों पे खर्च कर रहे हैं जी। जी संदीप जी, संदीप जी समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, आपने जो बात रखी है हम उनके उत्तर ले लेते हैं जी। संजय जी संक्षेप में आप क्या कहेंगे, मनीष जी जो कहे फिर हम अपने एक्सपर्टों के पास चलेंगे जी। देखिए पहली बात तो जो दर्शक बहुत प्रबुद्ध दर्शक जुड़े हुए हैं आपके साथ, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। मध्य प्रदेश से जुड़े दर्शकों को मैंने बहुत, चूंकि इंदौर व्यापारिक राजधानी कही जाती है इसलिए मैंने इंदौर से लिया, मैंने इसलिए बाहर से सारे दर्शक लिए, मध्य प्रदेश के दर्शक मैंने लिए ही नहीं जी। संजय जी देखिए अभी प्रोफेसर कृष्ण कुमार शुक्ला जी ने जो चीज बोली है जी, उनका कहना है कि ये जो लिक्विडिटी जो कैश फ्लो जो खत्म हुआ और कहीं ना कहीं आप देखिए जो नोटबंदी थी उसी की मार हम झेल रहे हैं। नोटबंदी के समय के जो आंकड़े थे उसके पहले के, आज तक हम उन आंकड़ों को वापस नहीं छू पाए। तो इकोनॉमी में देखिए एक प्रिंसिपल है कि अगर हम पीछे एक कदम भी होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हमें 100 कदम आगे फिर बढ़ाने पड़ते हैं, वो जो एक कदम हमारा पीछे होता है उसके लिए हमें जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और आज यही कमी जो केंद्र सरकार में जो कमी है सबसे बड़ी वो यही है कि 135 करोड़ लोगों के लिए हम इकोनॉमी जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो इकोनॉमी होनी चाहिए जिसपे जो है हमें काम करना चाहिए कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हमारे पास कैश फ्लो नहीं होगा, अगर क्रय शक्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से हर चीज कलेप्स होती जाएगी। और आज जो देखिए जो मजदूर है वो भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता है, यदि बड़ी कार कोई खरीदता है तो बड़ी कार खरीदने वाला भी कहीं उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं उसको भी जो है जो लेबर वहां पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहां बड़ी कारें बनती है वो भी उनका पेट भी उससे जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत छोटी सी बात है कि आज इकोनॉमी जिस तरह से हमारी लगातार नीचे जा रही है उसमें जो है सोचने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को आज बहुत बड़ा जनमत मिला हुआ है, देश में बहुत बड़ा बहुमत मिला है, तो जिस तरह से वो दूसरे निर्णय ले रहे हैं उनको एक बार जो है इस स्थिति पे गौर करना चाहिए। आज केवल मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है कि 6,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के नहीं आए, आज आप पूरे आंकड़े उठा के देखिए पूरे देश भर में जो राज्य सरकारें हैं उनकी फंडिंग जो है रुकी हुई है, और ये फंडिंग हम जो है 370 की बात करते हैं लेकिन उस फंडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। तो जो राज्य हैं उनकी सीमित आय के साधन है, यदि केंद्र सरकार उनका हिस्सा उनको समय पे नहीं देगी और हम जितने पीछे जाएंगे उसको शायद कवर हम 2 साल में भी अगले नहीं कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार को मोदी जी को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जहां हमें रोजगार देना जरूरी है, जहां सबको रोटी कपड़ा और मकान देना जरूरी है, इस विषय में भी चिंतन करने का थोड़ा सा प्रयास करें। शायद जी, विदेशी दौरे और हम अगर कोई दूसरा अचीवमेंट करते हैं लेते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा यदि हमारे देश की जनता भूखी रहेगी। सैनी जी क्या आपने दर्शकों को भी सुन लिया, मनीष जी का अपना बीजेपी के पक्ष में मोदी जी के पक्ष में जो कह रहे हैं, संजय जी जो कह रहे हैं, क्या आपका कमेंट्स है सैनी जी? त्रिपाठी जी बिल्कुल सही बात है कि ये जो जितने कुछ काम किया है मोदी सरकार में और बहुत कड़े फैसले लिए हैं, निर्णय लिए हैं, लेकिन एक तरफ जहां इकोनॉमी है वो बहुत गिर रहा है और इसको संभालने के लिए
अभी इनके बजट में भी कोई चीज ऐसा दिखा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च के, लेकिन सोशल सेक्टर में इनका जो बजट अलॉटमेंट है वो बहुत कम है। अभी आरबीआई से पैसे जो दिए हैं उससे भी लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट है। अगर आप देखोगे तो जिस तरह के पैसे चाहिए हैं उतना नहीं है, तो एक लिक्विडिटी क्रंच है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कहा था कि ब्लैक मनी मतलब निकल आएगा, तो वो कुछ नहीं आ पाया। जो फेक मनी है, नकली नोट बनना बंद हो जाएंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं लगता है। तो ये सब चीजें हैं जहां पे इन्हें कदम तो ले लेते हैं पर सोचते बात में है कि कैसे करना है। ये प्लानिंग पहले होती तो ज्यादा ठीक रहता है। तो मोदी जी को अभी जो 100 दिन तो बहुत कम है ये देखने के लिए कि उपलब्धि है या फेलियर है, लेकिन आने वाले समय में अगर इकोनॉमी को नहीं संभाला गया तो बहुत देखिए पूरी बहस जो अपनी सिमट गई वो इकोनॉमी पर आकर गई। लेकिन 100 दिन की जो बात हो रही है उसमें जितनी उपलब्धियां हैं वो तब तक ठीक नहीं होंगी, जैसा कि अभिषेक मोदी जी ने कहा कि तब तक जब तक आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, एक आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी जी, तो जो कुछ भी है वह इकोनॉमी पर आकर के टिक जाता है। और देश के अंदर बाहर जाकर के देखिए, आप विदेश यात्राएं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कूटनीति को जमाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी भारत की स्थिति है पूरे वैश्विक उसमें जो है आप विदेशों में जाकर के ही आपको पूरी स्थितियां संभालनी होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो देश के फ्रंट पर है वह इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अभिषेक मोदी जी की बात से एक बात और मुझे समझ में आई कि आने वाले भविष्य में और स्थितियां बिगड़ने वाली हैं अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पूरी सरकार इस जो मुसीबत जो आन पड़ी है अर्थव्यवस्था को लेकर के उससे किस तरह निपटती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो चैलेंजेस है जिसको लेकर मोदी जी कहते हैं कि हम चुनौतियों से नहीं डरते, हम चुनौतियों से सीधे भिड़ते हैं, तो उन चुनौतियों ये जो इकोनॉमी की जो चुनौती है उसको निपटना बहुत जरूरी होगा इस सरकार के लिए। जी बिल्कुल रमेश जी, निश्चित तौर पर धारा 370 देश हित में बहुत अच्छा है। जो तलाक का कानून लेके आए वो देश में बहुत अच्छा है, उपभोक्ता विधेयक लेकर के आए बहुत अच्छा है, सारी चीजें हैं देश हित में। लेकिन जनता के हित में जो प्रदेश उस देश के कश्मीर से या दूसरी जगह से जनता रही उनके हित में क्या निर्णय रहा? आपने अभी मोदी जी से आपने काफी बहस की, लेकिन वो आर्थिक विशेषज्ञ है, उनकी अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय है, इसमें क्या कहना है आपको? देखिए कुल मिलाकर के ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। अर्थव्यवस्था पर मैं 2 लाइन कहकर के अपनी बात को पूरी करूंगा। ये अर्थव्यवस्था का जो शोर मच रहा है इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र देख रहा हूं। अगर आपको 71 का याद हो, 71 में इंदिरा जी ने युद्ध जीता और पाकिस्तान के टुकड़े किए और भारत का नाम किया, दुनिया का नक्शा बदला। अचानक यही व्यापारी था जिसने महंगाई बढ़ा दी और महंगाई बढ़ा करके क्या हसर हुआ और इंदिरा जी को फिर लगाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे व्यापारी है, और जिस व्यापारी ने उस वक्त इंदिरा जी को फेल किया पाकिस्तान के बाद महंगाई बढ़ा करके, वही व्यापारी मंदी का शोर मचा रहा है। और कोई मंदी कहीं नहीं है, मुझे आप बताइए, व्यापारियों को ऑटोमेटिक प्लान लगाना है इसलिए वो रोजगार घटा रहे हैं। मुद्रा का परिचालन गिनाया कि कितने प्लांट बंद हो रहे हैं, कुल मिलाकर प्लांट बंद होंगे, बेरोजगार होंगे। मैं आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। कुल मिलाकर के वो जो उन्होंने जितनी बात गिनाई, जितनी मैंने उनसे चर्चा की, वो बिल्कुल 2 अलग अलग उन्होंने बातचीत की। 2-4 मोटे मोटे अंग्रेजी के शब्द बोल करके व्यक्ति अपने ज्ञान को करना चाहता है। वो जो विशेषज्ञ बोल रहे थे, विशेषज्ञ की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्होंने मेरी बात का जवाब बात से देने के बजाय मुझ पर हमला किया। तो व्यक्ति के पास जब तर्क कमजोर होते हैं, आपने उसे कहा कि शेयर मार्केट खत्म कर दे। निश्चित रूप से मुझे मुद्रा का त्रिपाठी जी, मुद्रा का परिचालन और मुद्रा का उत्पादन ये 2 अलग अलग बातें हैं। शेयर मार्केट हो, ये मुद्रा का परिचालन है, लेकिन अगर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा जब आप अगरबत्ती तक तो बाहर से मंगा रहे हैं, आपको नौजवानों को उत्पादन बढ़ाने पर लगाना पड़ेगा। मुद्रा के परिचालन अगर ऊपर नीचे हो गया वो अर्थव्यवस्था का कारण केवल अखबारों में हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, मीडिया के लिए हो सकता है, देश के लिए नहीं हो सकता। देश का अगर आपको अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, आपको मुद्रा का उत्पादन बढ़ाना, परिचालन को कम करना। मुद्रा का परिचालन जितना होगा, मैं एक बात उदाहरण देगा, कौन कहेगा?
पब्लिक को खुद जागरूक होना पड़ेगा। नहीं नहीं देश सरकार करेगी कौन करेगी? एक सेकंड मुझे आप बताइए, पब्लिक को खुद जागरूक होना पड़ेगा। इस वक्त अभी तो पानी गिर रहा है, मुझे सोयाबीन में कीटनाशक छिड़कने के लिए तो मजदूर नहीं मिले, आप घर में झाड़ू पोछा करने के लिए तो काम वालियां नहीं मिल रही, तो कुल मिलाकर के रोजगार की कमी बिल्कुल नहीं है, काम करने वालों की कमी है। लोग बिना काम किए हुए खाना चाहते हैं राजाश्रित होकर के। तो कुल मिलाकर के एक माहौल, सामाजिक वातावरण, सरकार की नीतियां, उत्पादन की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कमरे में बैठ करके बोली लगाई कि हम इतने शेयर और हम इतने शेयर, मुझे एक बात बताइए कि आज ये बहुत अच्छी एक दर्शक ने बात कही कि आप वो कारें बनाइए जो पब्लिक की डिमांड है। आज डिमांड ये आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कार आपको बनाना चाहिए, और ऐसी कार बनाना चाहिए जो लग्जरी भी हो और कीमत कम भी हो। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको करना ही चाहिए। आप करेगा कौन? व्यापारी करेगा, ये षड्यंत्र कर रहा है, चिल्ला चोट कर षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र में फंस कौन रहा है? सरकार फंस रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार देखिए उसकी वजह है ना, इसमें व्यापारी मीडिया को मिलकर के शोर मचाता है और उस शोर में सरकार फंसती है। मुझे एक बात बताइए, एक भी मुझे इस बीच में अखबार में पढ़ा उन्होंने कि साहब आर्थिक मंदी तो आदमी चिल्लाने लगता है। जिस तरीके से गांव में किसी एक तीतर ने आवाज लगाई तो सारे चिल्लाने लगते हैं, तो शहरों में बिल्कुल अखबार में पढ़ करके लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं। आर्थिक मंदी है कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजय जी, नहीं रमेश जी बहुत वरिष्ठ है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए रमेश जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आज इस देश में जो है, जो हमारे देश की तरक्की हुई है, जिस स्थान पे आज हम खड़े हैं, व्यापारियों का बहुत बड़ा उसमें रोल है। आप देखिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमने कानून बनाया 2013 में कि जो है सभी कंपनीज को इतना इतना फंड जो है सीएसआर में देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि आज पूरे देश में जो है 100 साल पुरानी भी धर्मशालाएं आपको मिलेंगी, 100-100 साल पुराने विकास कार्य जो व्यापारियों ने कराए हैं उनके नाम से आज मिलेंगे। तो व्यापारियों पे दोष देना उचित नहीं है। व्यापारी तभी बोलता है जब उसके बिल्कुल गले से ऊपर जो है पानी जाने लगता है, जब बिल्कुल उसको बहुत तकलीफ हो जाती है, तब व्यापारी मुखर होता है। और आज मारुति जैसे उद्योग जो है बंद होने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लाखों लोगों को बेरोजगार करेगा। जो और भी उद्योग बंद हो रहे हैं, या गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो वहां मजदूरी कर रहे हैं उनके घरों पर असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस सच्चाई से हमें मुकरना नहीं चाहिए। सच्चाई है तो आपको भी जो है सरकार से आह्वान करना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि कहीं इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दें जो आज बेरोजगार होने जा रहे हैं, जिनके सामने रोटी और कपड़े का संकट है। रमेश जी संक्षेप में, नहीं कुल मिलाकर के ये जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई इंडस्ट्री कहीं बंद नहीं हो रही, ये टेक्नोलॉजी बदलने के लिए अपने प्लांटों को शिफ्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लान लगा रहे हैं एक जगह से उठ करके दूसरी जगह, और शोर केवल इसलिए मचा रहे हैं कि ताकि सरकार से वो पैसा ले सके, बैंकों का पैसा बचा सके। आप मुझे बताइए, बैंकों का मैक्सिमम पैसा तो इन्हीं लोगों के पास में है, और ये 30-30 मंजिल बिल्डिंग बना करके 3 आदमी उसमें रहते हैं और 300 नौकर रखते हैं, ये जो इनकी मानसिकता है। व्यापारी ने भी अगर बिल्ड बनाई भी है, कोई धर्मशाला बनाई है, कहीं पैसा भी दिया है, तो उसने ग्राहक से जो लिया है 1 रुपए पर 1.5 रुपया उसने वसूल किया है। तो कुल मिलाकर के ये वो फिर आपको उसी समय शोर मचाना थी जब पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनने की जरूरत है, सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, उस वक्त आपको शोर मचाना चाहिए भाई, उस वक्त आपको ठंडक रखना चाहिए, माहौल ठीक करना चाहिए। समय कम है जी। जी कहने की आप क्या आवश्यकता है? आपकी सारी बातें रमेश जी ने कह दी है। रमेश जी ने कही है, मैं उनकी बात को थोड़ा सा और आगे बहुत संक्षेप में। ये पहला अवसर है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को आधार बना करके व्यवस्थाएं प्रतिपादित करने का प्रयास हो रहा है। पूर्व में आपने देखा होगा जो भी सिस्टम बना है विदेशी नीतियों पर आधारित रहा है, बड़े बड़े प्लांट आए, टेक्नोलॉजी हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, सब उनका विजन विदेशी था, जिससे नुकसान हुआ, जिससे नुकसान हुआ। और आज आप देखेंगे FDI भी हुआ है तो उनको बात उनको बाध्य किया, आप लेके आ रहे हैं जी, आप ये देखेंगे FDI भी हुआ है तो उसमें उनको बाध्य भी किया है कि आप इंडियन कल्चर में समावेश करके अपना व्यापार करना पड़ेगा उनको। अरे यही तो इच्छा शक्ति माननीय मोदी, आप कैसे माननीय मोदी जी की यही तो नीति है। मोदी जी की नीति है वो पूरे भारत के आधार पर कैसे अर्थव्यवस्था हो इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। आपके जैसे लचर नीति के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी लचर नीति के कारण ही देश बर्बाद हुआ है। अरे आपकी वित्त मंत्री तो मनमोहन जी के पास ही जा रही है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं आपने कहा लचर वगैरह व्यवस्था थी, मनमोहन जी भी स्वीकार करते हैं
ऐसा नहीं है आप क्या, क्या स्वीकार करते हैं? उन्होंने स्वीकार किया कि निर्णय लेने की काबिलियत, चलिए उन्होंने स्वीकार किए। समय हमारा कम है, अंतिम टिप्पणी साइनी जी आपकी बहुत संक्षेप है सब पूरे डिस्कशन को लेकर। सारा डिस्कशन जो है इकोनॉमी में आके रुक गया है जी। तो 100 दिन जो बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं, चर्चा गई ही नहीं गई। नहीं, इसमें क्या है, जो जीडीपी है या इकोनॉमी है ये फ्लक्चुएट होता ही रहता है, ये कोई स्थिर चीज तो है नहीं कि मतलब एकदम बढ़ता रहेगा, और ये फ्लक्चुएशन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाले समय अगर इसको नहीं संभाला गया तो फिर ये स्थिति गंभीर हो सकती है, भयानक। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साइनी जी आपका, संजय जी आपका, मनीष जी, अग्निहोत्री जी और रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा सही होने। तो आज की चर्चा से तो इतना साफ है कि अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पहले 100 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर जिस तरह से फैसले लेते हुए इतिहास रचा है, उससे एक बात तय है कि आगे और भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा करने के दौरान कुछ ऐसा ही करेगी। यद्यपि आर्थिक मंदी का दौर मोदी सरकार को किसी हद तक परेशान करने वाला भी है, अगर इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष भी है जो चाहता है कि मोदी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर भी एक्शन मोड पे आए, जिसके लिए मौजूदा केंद्र सरकार पहचानी जा रही है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।